हम साल दर साल जन्माष्टमी मनाते आए हैं। इस दिन हम व्रत रखते हैं, श्री कृष्ण को बड़े प्यार से सजाते हैं, झूला झुलाते हैं, उनके लिए नए नए पकवान बनाते हैं, बड़े प्यार से श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, अपने जीवन में श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं। ये सब हम सदियों से करते आए हैं, परंतु एक दिन का यह उत्सव बस उस एक दिन तक ही ठहर जाता है और फिर वापस वही रोजमर्रा का कामकाज, वही जिंदगी, वही भागदौड़, वही सब शुरू हो जाता है। और यही उमंग, उत्साह, सजावट, श्रृंगार सब अगले साल इसी त्योहार के दिन के इंतजार के लिए ठहर जाता है। पर क्या यही मकसद होता है त्योहारों का? नहीं, त्योहार हमारे जीवन के वे उपहार हैं जो हमें नींद से जगाते हैं। वो नींद नहीं जो हर रोज सुबह खुलती है, परंतु वो नींद जिसने हमें जीवन की, हमारी हर रीति रस्म की वास्तविकता से ही सुला दिया है। आज ये संसार जो कि एक कुरुक्षेत्र ही बन गया है, जहां हर कोई एक दूसरे का तो दूर स्वयं अपना ही शत्रु बना बैठा है, हर मन में जहां महाभारत का युद्ध छिड़ चुका है, हर एक मन में जहां पांडव और कौरव दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, यही वो समय है जब जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की वास्तविकता को समझने की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। वर्तमान का ये समय बार बार हमें एक ही ओर इशारा कर रहा है कि हम अर्जुन बन ज्ञान का अर्जन कर अपने अंदर के सात्विकता को, दिव्यता को ज्ञान की रोशनी से जगाएं, उस एक तारनहार से जुड़ इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएं, उस एक परम पिता को जान, अपने ही भीतर चलते द्वंद पर विजयी बन जाएं। तो आइए इस जन्माष्टमी स्वयं के भीतर झांकें और श्री कृष्ण समान स्वयं में गुणों का आह्वान कर दिव्यता की झांकियां सजाएं। अपने भीतर वही खोई हुई दिव्यता को जागृत करने के लिए, जीवन के मोल को समझ अनमोल बनने के लिए देखते रहिए हमारे साथ सिर्फ आपका पीस ऑफ माइंड चैनल, एक बेहतर कल के लिए।